नमस्कार दोस्तों, माया नगरी में आपका स्वागत है। हाजिर हूँ मैं एक दिलचस्प जानकारी के साथ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धोखे पर बेस्ड बॉलीवुड में कई फिल्में बन चुकी हैं, जिनमें से कुछ तो लोगों को इतनी पसंद आई कि रिलीज के साथ वो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी। आज के वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी ही फिल्मों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनका नाम सुनते ही आप उसे देखने बैठ जाएंगे। अजय देवगन की ओमकारा से लेकर आमिर खान की फना तक 5 फिल्में ऐसी थीं जिनकी कहानियां धोखे पर बेस्ड थीं और इन फिल्मों पर दर्शकों ने अपना भरपूर प्यार भी लुटाया था। तो चलिए अब आपको उन 5 बेहतरीन फिल्मों के बारे में बताता हूँ। पति पत्नी और वो, साल 1978 में आई ये एक शानदार फिल्म थी जिसका निर्माण और निर्देशन बी.आर. चोपड़ा ने किया था। फिल्म में संजीव कुमार के अलावा विद्या सिन्हा और रंजीता कौर मुख्य भूमिकाओं में नजर आई थीं। इस फिल्म की कहानी धोखे पर बेस्ड थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो संजीव कुमार और विद्या सिन्हा ने इस फिल्म को 30 दिनों में पूरा किया था, क्योंकि दोनों कहानी को लेकर उत्सुक थे और इस कहानी में उनकी रुचि थी। कहा जाता है कि इसे द बर्निंग ट्रेन की चल रही शूटिंग के बीच बनाया गया था। सुभाष घई द्वारा निर्देशित 1980 की ये एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म थी जिसमें ऋषि कपूर और टीना मुनी मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म में सिमी ग्रेवाल ने कामिनी वर्मा की भूमिका निभाई थी। यह फिल्म भी प्यार में धोखे पर बेस्ड थी। इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था। ओम शांति ओम और दर्द दिल जैसे चार्ट बस्टिंग नंबरों के साथ उन्होंने इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था। ओमकारा, ये 2006 की एक क्राइम ड्रामा फिल्म थी जो विलियम शेक्सपियर के ओथेलो पर आधारित थी, जिसका सह लेखन और निर्देशन विशाल भारद्वाज ने किया था। इसमें अजय देवगन, करीना कपूर, सैफ अली खान, कोंकणा सेन शर्मा, विवेक ओबेरॉय और बिपाशा बसु जैसे कलाकार प्रमुख भूमिकाओं में थे। यह फिल्म भी धोखे पर बेस्ड थी, जिसकी वजह से फिल्म में अजय अपनी पत्नी करीना को मार डालते हैं। फना, ये साल 2006 की एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म थी जो कुणाल कोहली द्वारा निर्देशित और आदित्य चोपड़ा और यश चोपड़ा द्वारा अपने बैनर यश राज फिल्म्स के तहत निर्मित थी। फिल्म में आमिर खान और काजोल के साथ ऋषि कपूर, किरण खेर, तब्बू और शरद सक्सेना सहायक भूमिकाओं में थे। इस फिल्म में आमिर एक आतंकवादी की भूमिका में थे जो काजोल को धोखा देते हैं और अंत में काजोल आमिर को मार देती हैं। हालांकि ये एक शानदार लव स्टोरी भी थी। एनिमल, इस फिल्म ने तो रिलीज के साथ ही साल 2023 में बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचा दिया था। इस फिल्म में आपको धोखा देखने को मिलता है। फिल्म में अनिल कपूर धोखे का शिकार हो जाते हैं, लेकिन रणबीर कपूर धोखा नहीं खाते और फिल्म में जमाल की भूमिका में बॉबी देओल की ओर से भेजी गई लड़की को रणबीर भांप लेते हैं। ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण संदीप रेड्डी वांगा ने किया है, जिन्होंने प्रणय रेड्डी वांगा और सौरभ गुप्ता के साथ पटकथा भी लिखी है। फिल्म में रणबीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये दिलचस्प जानकारी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिर हाजिर रहूंगा ऐसी ही एक दिलचस्प जानकारी के साथ। बने रहिए माया नगरी के साथ। नमस्कार।